डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम गुलाब की कलम किस प्रकार तैयार की जाती है वहाँ सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो एपरेटस जो लगते हैं, इस प्रकार पॉलीथीन टेप आप तैयार कर लीजिएगा, लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ी और इतनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। उसके बाद में एक चाकू जिसका टिप इस प्रकार हो, और ब्लेड, नई ब्लेड का एक पीस। तो अब हमें सबसे पहले ये प्रिकॉशन लेनी है कि अभी जिस गुलाब की अपने को बडिंग करने की है, उस गुलाब की टहनी सिलेक्शन, तो कम से कम पेंसिल के जाड़ी की टहनी होनी चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए, पर वो ब्रांच की उम्र क्या होनी चाहिए। तो उस पर जब फ्लावरिंग होती है, ये देखो फ्लावरिंग, तो यह फ्लावरिंग होने के बाद जब फ्लावर झड़ने लग जाता है, जैसे ऐसी मारे अपन ने और फ्लावर झड़ना चालू हो गया, समझो कच्चे ग्राउंड, तो वो स्टिक, वो फ्लावर की जो डंठल होती है, उससे कम से कम नीचे 10 सेंटीमीटर तक आप इतनी बड़ी ब्रांच उस पेड़ से कट करके ला लीजिएगा, और वहाँ के पत्ते इस प्रकार कटर से आप काट लीजिएगा, ऐसे कटर से। तो हर ये पेटियोल है, पेटियोल लीप का, ये इसके पास में है अंकुर होता है, हर पेटियोल के पास ही अंकुर होता है। इसी अंकुर को अपने को हार्ड पोर्शन, जो हार्ड वुड जो रहता है बार्क के साथ, उसके साथ इस अंकुर को निकालने का। तो यहाँ जिस गुलाब की कलम फिट करनी है उसकी, ये सायन सिलेक्शन है, तो ये बर्ड सिलेक्शन, ये प्रोसेस हो गई। तो यहाँ इस प्रकार सिलेक्ट करके लाने का, लकड़ी पेंसिल की जाड़ी की रहती है यहाँ, तो यहाँ इस प्रकार 2 लकड़ी मैंने लेके आया है, लेके आई है। तो अभी देखिएगा, यहाँ येलो गुलाब का है, यहाँ रेड रोज का है, तो अभी इसकी कलमें कैसे निकाली जाती है सबसे पहले, और किस पौधे पर अपने को फिट करने का है, तो उसका भी जो जिस ब्रांच में फिट करने की, वह भी 2 महीने पुरानी हो, जिसकी स्किन बार्क जो है ढीली करने के लिए सहूलियत हो। तो इस प्रकार यहाँ देखिएगा, यहाँ प्लांट है, तो यहाँ जो है 2 महीने पुरानी स्टिक है, देखिएगा ग्रीन इन कलर, इस प्रकार ग्रीन चाहिए। तो मित्रों, अब हमें क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले अपने को बड निकालने की है, तो यहाँ ब्लेड लेने का इस प्रकार, और देखिएगा यहाँ लकड़ी है इसका, ये पेटियोल, ये देखिएगा, ये यहाँ बड, यहाँ दिस वन इज़ बड, ये देखिएगा हर पत्ते के पास में बड होती है। तो हम इसे निकालने का कैसा, तो ये पेटियोल के नीचे, ये जो बड है उसके नीचे 5 मिलीमीटर, 5 mm, और ऊपर 5 mm, तो नीचे से ऐसी अपने को हार्ड वुड के साथ में स्किन निकालने की है, इस प्रकार देखिएगा, इस प्रकार ऐसा। तो मित्रों, अब यहाँ निकल के गिर गया, कंसीडर करो, ये देखिएगा इस प्रकार, यहाँ विथ हार्ड वुड, देखिएगा विथ हार्ड वुड बार्क आ गई, उसमें अंकुर भी आ गया, यहाँ देखिएगा अंकुर, ओके, यहाँ अंकुर देखिएगा, ठीक है। आप इसे चाकू के टिप से, यहाँ चाकू है, यहाँ टिप ऑफ द नाइफ, इसका इसको इस कॉर्नर से धीरे से, ये हार्ड वुड, ये देखिएगा यह हार्ड वुड है, यहाँ देखिएगा यह हार्ड वुड, यदि इस प्रकार ऐसा आपको निकालना है, तो यहाँ इस प्रकार यह हार्ड वुड निकल गया, देख लेगा, देख लीजिएगा यह हार्ड वुड जो है, झाइलम फ्लोएम हार्ड वुड, ये निकल गया। अब अपने पास में बार्क बची, यहाँ बार्क निकालते वक्त श्रिंकेज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ निकालने के बाद में, यहाँ लंबी है, कंसिडर करो, इसको अपन कट कर लीजिएगा धीरे से, शार्प ब्लेड रहती है, ये कट कर लीजिएगा। अब ये साइज हो गया इसका, इस प्रकार का, ओके। अब इसको हमें इसी प्रकार फिट करने का है, अंकुर ऊपर की ओर, और यहाँ जो जिस ब्रांच में हमें फिट करना है, वहाँ ब्रांच मिनिमम कम से कम इतना, जो रिफिल साइज होता है पेन का रिफिल साइज, मिनिमम कम से कम इतना साइज चाहिए रिफिल साइज, इससे बड़ा भी रहेगा तो भी चलेगा। तो आज अपन पेंसिल साइज की इस पे करने जा रहे हैं,
तो यहाँ अंकुर मैं रख देता हूँ फिलहाल में। एक प्लेट का वापर कीजिएगा, प्लेट कटोरी उसमें रख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ ब्रांच है, कंसीडर करो यहाँ ब्रांच देखिएगा। अब इस ब्रांच में यह ब्रांच है, इस ब्रांच के पत्ते कट कर लीजिएगा जहाँ फिट करने का है। तो कम से कम नीचे ही पौधे से नीचे अगर ब्रांच निकली है तो वहीं नज़दीक से नज़दीक करने की कोशिश कीजिएगा। अभी कैमरे की वजह से मैं अभी यहाँ ऊपर में करने जा रहा हूँ, तो सेम प्रोसेस आपको नीचे करने की है। तो एक ब्रांच पे दो अंकुर फिट कर सकते हैं, उसके बाद में कट कर लीजिएगा। तो अभी जहाँ फिट करने का जिस पोर्शन पे वहाँ के कांटे तोड़ लीजिएगा। अब इसमें देखिएगा, ये इसमें टी टी साइज का आपको कट करने का है। पहला हॉरिजॉन्टल इस प्रकार प्रेशर करके, और उसके बाद में बेर में जिस प्रकार टी बनाते हैं अपन उस प्रकार या ओके। अब इसके बाद में इस स्किन को जो बार्क है इसे ढीला कर लीजिएगा टिप ऑफ द नाइफ इस प्रकार। इधर की भी स्किन अब ये इस प्रकार ये ढीला कर लीजिएगा। और उसके बाद यह अंकुर को, इस अंकुर को पकड़ेगा और इसे इंसर्ट करना है हमें ऊपर से ये बार्क में, इसे डाल इंसर्ट करते वक्त, ये भी डेलिकेट वर्क है, इंसर्ट करने का है। आप इधर की स्किन को ढीला कर लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ इजीली आपका इधर का भी ढीला कर लीजिएगा, यह पुश कर दीजिएगा ऐसा। इसे पुश कर दीजिएगा, यहाँ देखो देख लीजिएगा यहाँ इस प्रकार फिट हो गया है, ये देखिएगा। और हमें यहाँ ऊपर में पॉलीथीन यहाँ पर पैक करनी है यहाँ पर, और इसके यहाँ नीचे, ठीक है। ये देखिएगा, अब हमें पॉलीथीन लेनी है, यहाँ पॉलीथीन है, नीचे से मैं बांधने जा रहा हूँ। यहाँ नीचे से ऐसा पैकिंग करिएगा, सिर्फ अंकुर को खुला रखिएगा जिस प्रकार बेर में करते हैं, इस प्रकार सिर्फ अंकुर को खुला छोड़िएगा। फिर नीचे से एक फोल्ड, ओके इस प्रकार, और उसके बाद में इसे वन फोल्ड करके इसके इंसर्ट करके इस प्रकार यहाँ। तो मित्रों इस प्रकार हमने यहाँ अंकुर इस ब्रांच में फिट किया है। यहाँ एक से एक महीना पहले की ब्रांच है जिसमें स्किन ढीली इजीली हो इस प्रकार। अब इस प्रकार दो से दो अंकुर आप फिट कर सकते हैं। और इसके बाद में ये लास्ट अंकुर है, इधर में नीचे हमने एक अंकुर फिट किया है पहले, ये देखिएगा। तो इस प्रकार दो से तीन अंकुर फिट करने के बाद में यहाँ से कट कर लीजिएगा। यह अंकुर 15 से 20 दिन के बाद में बढ़ना चालू हो जाता है। जैसे ही ये ग्रोथ होनी शुरू हो गई तो यहाँ बाकी इसकी दूसरी ब्रांच को बढ़ने देने का नहीं, यहाँ से जो भी प्लांट डेवलप होगा, ब्रांच डेवलप होगी, वहाँ आपने चूज की हुई सिलेक्टेड गुलाब की होगी, और इससे आपको वो मनचाहे गुलाब जो आपने सिलेक्ट किया है उसकी वेराइटी आपको प्राप्त होगी। पर जो ओल्ड प्लांट है उसमें आपको उस प्लांट का कोई भी ब्रांचिंग आपको होने देना नहीं है। इस प्रकार आप गुलाब की कलम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जनरली मित्रों जंगली गुलाब पे ही की जाती है, तो आप मार्केट से जो पौधे खरीद के लाते हैं वहाँ लाने के बाद में कुछ दिनों के बाद में वो पौधा मर जाता है और ये जंगली गुलाब की ब्रांच नीचे से निकलती है। आपको पहचान न होने के कारण आप सोचते हैं कि बहुत तेज़ी से पौधा निकल बढ़ रहा है, तो मित्रों उसको पहचानने का एक ही तरीका है, क्योंकि जंगली गुलाब पे ही कलमें की जाती है और आपकी नासमझी की वजह से जो कलम है कुछ दिन बाद मर जाती है और नीचे से जो बड़ है, बड़ के नीचे से ही
ब्रांचेस होती है जंगली गुलाब की, और वो जंगली गुलाब को 7 पत्तियाँ होती है, उसकी पहचान है, उसे फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्लावरिंग छोटी होती एकदम। तो मित्रों यहाँ तोड़ते रहना है आपको, अगर से मार्केट से आपने पौधा खरीद के लाया है तो यहाँ जंगली गुलाब है, इसे बढ़ने नहीं देने का है। तो इस प्रकार आप गुलाब की कलम इजीली आप कर सकते हैं अपने घर में, और विविध प्रकार के पेड़ तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों यहाँ गुलाबी गुलाब जनरली अपने एरिया में पाया जाता है, तो इसकी कलमें अगर से आप 10-10 12-12 सेंटीमीटर की कलमें अगर से रोपण करके आपने बरसात में तैयार की, तो यहाँ गुलाब का जो सीज़न होता है बडिंग सीज़न, ये आप विंटर सीजन में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बेस्ट मंथ हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने बेस्ट सीजन है। फरवरी तक आप कर सकते हैं, विंटर सीजन में ही गुलाब की कलमें सक्सेस होती है। और मित्रों आपने जो मेरा वीडियो देखा, अगर से आपको पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, तो बेल आइकन को पुश कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैंने इसके पहले बेर की कलम, आम की कलम, सभी प्रकार की कटहल की कलम, सीताफल की, इस प्रकार की कलमें मैं ग्राफ्टिंग किस प्रकार की जाती है वहाँ वीडियोज़ में ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स।